Now, next last chapter from second paper, that is breeding of aquarium fishes. Breeding of aquarium fishes. अब पहला पॉइंट इसमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये चैप्टर सबसे सिंपल 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें पहले जो चार फिश है लाइव बेरा, गप्पी, मोली, सोवरटेल और प्लेटी, इनके सब मैटर कॉमन है. थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट मैटर है वो अलग से दिया है, बाकी मैटर सबको कॉलम है, कॉमन है. तो ये चार में से एक फिश पूछा जाएगा, या पांचवा एंजल फिश और छठवा है बीटा स्प्लिंडर. तो छह फिश का आपको करना है, छह में से चार तो ये कॉमन है. तो पीली फिश का आपको करना है, लाइव बेरर का कॉमन अनकॉमन जो अलग से बताऊंगा, और एंजल फिश और बबल लेस बिल्डर. इसलिए 10 मार्क के लिए ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है ओवीपैरास. ओवीपैरास, ओवीपैरास यानी इट इंक्लूड ऑल दोस फिशेस व्हिच लेस एग्स. दे लेस एग, दे स्कैटर्ड द नॉन एडिसिव एग्स इन द वॉटर बॉडी एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड द यंग वंस आर नॉट नरिश बाय द मदर. यहाँ पे नरिशमेंट नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल झेब्रा डैनियो, एंजल फिश, बीटा स्प्लिंगन एक्सेट्रा. देन विविपैरास फिश. विविपैरास फिशेस आर दोस फिशेस इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी, दैट इज इंटरनली, एंड द डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंटरनल, बट एंड दे गिव बर्थ टू यंग वन. हाउएवर द यंग वन दे आर नॉट नरिश बाय द मदर. यहां पर दोनों जगह पर नरिशमेंट नहीं होगी. देन लास्ट ओवोविविपैरास. ओवोविविपैरास इसमें कैसा होता है कि विविपैरास में और एक है लाइव बेरर फिशेज. लाइव बेरर फिशेज जो है दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वन. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया गप्पी, सोवरटेल, ब्लैक मोली, इसको हमें लेना है. देन ओवोविविपैरास जो है इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड यंग वंस आर फेड बाय द मदर थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा टिश्यू का डेवलपमेंट होगा एंड दे आर यंग वन दे आर प्रेजेंट इन द ब्रूड पाउच. कांगारू भी जैसे इनमें भी ब्रूड पाउच रहेगा, तो जिसके माध्यम से प्लेसेंटा टिश्यू डेवलप होगा एंड यंग वन दे आर फेड बाय द मदर. फॉर एग्जाम्पल शार्क फिश. देन देयर इज वन मोर गोनोपोडियम. गोनोपोडियम, गोनोपोडियम ये स्पेशल स्ट्रक्चर है विच इज द मॉडिफाइड एनल फिश एनल फिन. मॉडिफाइड एनल फिन ये सब एनल फिन है, ये एनल फिन के अंदर ऐसा ग्रू होता है. This is called as gonopodia. Anal fin के अंदर is a modified anal fin present only in the male and it is known as gonopodia. Internally it is hollow, it has a groove and it is exclusively used for ingestion of sperm into the female. Female में inject करने के sperm inject करने के लिए ये gonopodium का इस्तेमाल होगा, just like penis in case of human being. ठीक है, गोनोपोडियम तो अंदर से ये खोखला रहेगा, ग्रू रहेगा और यहां से स्पर्म आएंगे. नॉर्मल कंडीशन में दिस गोनोपोडियम इट इज डायरेक्टेड बैकवर्डली, बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन द टिप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इट इज ट्विस्टेड फॉरवर्ड एंड साइडवाइज एंड देन इट इंसर्टेड इनटू द फीमेल वेन टू इंजेक्ट द स्पर्म. That is regarding the function of gonopodium. So gonopodium ये anal fin का modification है, जिसके माध्यम से जहाँ internal fertilization होता है वहाँ female genital tract में vent में eggs के पास sperm deposit करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. Then identification of male and female fish. Male और female fish aquarium में आप कैसा पहचानेंगे? तो male fish जो होता है it is brightly colored. It is brightly colored. Female जो होती है it does not have attractive color. It does not have bright color or attractive color.
देन दूसरा, मेल्स आर स्मॉलर इन साइज, फीमेल्स आर लार्जर इन साइज, फीमेल्स आर लार्जर इन साइज. देन एनुअल फी इज मॉडिफाइड इंटू गोनोपोडियम, इंटू गोनोपोडियम. यहां पर नो सच मॉडिफिकेशन क्योंकि गोनोपोडियम इज यूज फॉर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म वेयर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. देन ग्रेविट स्पॉट नहीं है, नो ग्रेविट स्पॉट, पिंक कलर का स्पॉट एट आई जस्ट बीन इन द एनल ओपनिंग. यहां पर ग्रेविट स्पॉट इज प्रेजेंट, ग्रेविट स्पॉट इज प्रेजेंट. देन बेली डज नॉट स्वेल, बेली फ्लैट, बेली स्वेलिंग. मेल में बेली जो होती है वो फ्लैट होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रूड पाउच नहीं होता है. एज द ब्रूड पाउच इज एब्सेंट, बेली इज फ्लैट. और यहां पर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एग्स भी रहते हैं उसमें और ब्रूड पाउच भी होता है. ब्रूड पाउच में एग्स होते हैं, यंग वन भी होते हैं, एंड इसलिए बेली शोज स्वेलिंग, बेली स्वेलिंग है. यहां पर इस तरह से रहेगा और यहां पर इस तरह से रहेगा, ठीक है? देन गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन एक्चुअल फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग ऑफ एग्स इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड. फर्टिलाइजेशन से लेके तो हैचिंग तक के बीच में का जो समय है उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. एंड इट कंसिडरेबली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. उसके बाद में टाइप ऑफ द स्पीसीज एंड पीएच ऑफ वाटर, तो टेम्परेचर, उनका फिश के टाइप है, कौन सी स्पीसीज है फिश की, सेकंड बात, और पीएच ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल इन गप्पी द गेस्टेशन पीरियड इज 30 to 35 hours एट द टेम्परेचर ऑफ 76 degrees Fahrenheit. गप्पीज में 76 degrees Fahrenheit पर 30 to 35 hours. सेम टेम्परेचर पर ब्लैक मूली में वो पीरियड है करीब करीब 28 से 32 घंटे, ठीक है? देन फीडिंग ऑफ यंग लाइव बेरर. अब जो यंग लाइव बेरर चार्ट नोट में पूछते हैं, यंग लाइव बेरर जो होते हैं गप्पी ब्लैक मोली, तो इनके जो यंग वंस होते हैं यंग लाइव बेरर, उनको फीडिंग कैसे करना है? तो फीडिंग ऑफ यंग लाइव में लीवर जो है यंग लाइबेरर, मैं अभी जिनका ये जब भी तरुण जले दे आर रेडी फॉर ब्रीडिंग, दे आर मैच्योर सेक्चुअली, दैट इज यंग लाइव बेरर हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू यंग वन इन कमिंग सम डेज, दैट इज दे आर सेक्चुअली मैच्योर, दैट इज यंग लाइव बेरर. उनको लीवर इज द पर्टिकुलरली अ वेरी गुड फूड. लीवर जो है वो पर्टिकुलरली बहुत गुड फूड है बिकॉज इट इज द हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट, then vitamin, and it is also rich in iron. However, raw liver, liver liver टुकड़े की और डाल दिए पानी में, तो water cloudy हो जाएगा, oil will spread over the water surface, and thus the fishes will die due to the lack of oxygen. So to avoid this, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो liver है, it is kept for some time in boiling water. Boiling water में उसको रखा जाना चाहिए for few minutes. So that इसमें coagulation of blood हो जाएगा, blood का coagulation हो जाएगा. उसके बाद में then the liver is broken into small pieces. Liver को छोटे छोटे टुकड़ों में cubes में break करना है and whole mixture is then cooked. पूरा मिक्सचर बाद में पकाया जाएगा और पकाने के बाद में then this food is given to the young ones. Okay, that is gestation period and feeding of young live bearers. Then economic importance of breeding fishes. It
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीडिंग फिशेज। नाउ पहला गुड रिक्रिएशन, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट गुड रिक्रिएशन, गुड रिक्रिएशन। इसमें क्या होगा कि एक्वेरियम फिशेज गिव साइकोलॉजिकल एस्थेटिक प्लेजर, इट इज अमेजिंग टू ऑब्जर्व द अंडर वाटर एंड द ब्यूटिफुल कलर्ड एक्सोटिक फिशेज वेविंग इन एंड आउट अमंग द रॉक्स एंड प्लांट एंड ऑल्सो गिव्स द लुक ऑफ मिस्टरीज ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड। देन सोर्स ऑफ इनकम, इनका ब्रीडिंग आप ले सकते हैं, यू कैन टेक द ब्रीडिंग, अंडरटेक द ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेज एंड ब्रीडिंग लेने के बाद में उनके जो लाइव बेयरर्स लाइव रहेंगे यंग वंस, दे आर सोल्ड इन द मार्केट टू अदर एक्वाकल्चरिस्ट। देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द फीडिंग फिशेज, देयर फीडिंग हैबिट, देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग देयर ब्रीडिंग एंड मेनी अदर हैबिट्स ऑफ अदर वेरियस फिशेज एंड ऑल्सो कैन स्टडी देन द फिशेज सजेस्ट। It also help in study of the various developing stages of fishes like spawn, hatchling, spawn, fry, fingerling, वो कैसे चल बड़े होते हैं, इस तरह से उनका बर्थ होता है, हैचिंग कैसे होता है, हैचिंग होते समय एग्स का ऊपर का टफ कवरिंग फोड़कर वो बाहर कैसे आते हैं, ये सब देखना अमेजिंग है। ये अगर आप देखते रहेंगे तो इसमें आप अपना जो स्वयं के पेन्स हो गए या दुख होगा वो कुछ हद तक भूल सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ब्रीडिंग ऑफ फिशेज, पहले लेते हम ब्रीडिंग ऑफ लाइव बेयरर्स। ब्रीडिंग ऑफ लाइव बेयर, चार लाइव बेयर है, गप्पी, मोली, सोवरटेल एंड प्लैटी, ये चारों का कॉमन मैटर है, जो अनकॉमन है मैं लास्ट में बताऊंगा, कॉमन जो पहले बताऊंगा। और यहाँ पर जो सिस्टम से मैं बता रहा हूँ या जो सिस्टम से आपने नोट्स में दिया है उसी सिस्टम से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मेल और फीमेल की डायग्राम निकालना जरूरी है उसको मार्क्स से, रिमेम्बर दिस, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल। नाउ इसमें पहला पॉइंट आता है सेक्स आइडेंटिफिकेशन, ब्रीडिंग ऑफ लाइव बेयरर में पहला पॉइंट सेक्स आइडेंटिफिकेशन, वेदर इट इज मेल और फीमेल, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। तो इट इज वेरी इजी, इस फैमिली में जो लाइव बेयरर है, ऑल द लाइव बेयरर दे आर इंक्लूडेड इन फैमिली पोइसिलिडी, दे आर इंक्लूडेड इन फैमिली पोइसिलिडी, और इनमें सेक्स आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है। फीमेल हैज ए फुल ट्रायंगुलर फिन, फीमेल में फुल ट्रायंगुलर फिन होती है, वेयर दैट ऑफ दैट इज एनल फिन, वेयर दैट ऑफ द एनल फिन ऑफ मेल इज मॉडिफाइड इनटू गोनोपोडिया, व्हिच जस्ट एक्ट लाइक ए पेनिस फॉर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक। देन द मेल इज यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल, मेल जो होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती है। उसके बाद में मेल्स आर अट्रैक्टिव इन कलर, फीमेल्स आर नॉट अट्रैक्टिव, मेल ब्राइट इन कलर। ह्यूमन बींग में फीमेल्स आर अट्रैक्टिव, मेल्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव, कुछ अपवाद हो सकता है, एक्सेप्शन है, लेकिन सभी फिशेज में जो मेल्स है वो अट्रैक्टिव है, फीमेल्स दे आर नॉट अट्रैक्टिव, दे आर नॉट ब्राइटली कलर। देन दूसरा पॉइंट है ब्रीडिंग हैबिट्स, ये सबको कॉमन है, कौन से गप्पी, मोली, सोवरटेल, ब्लैक मोली, सोवरटेल, गप्पी और प्लैटी, ये चारों फिश को ये सब पॉइंट कॉमन है, चार में से कुछ भी पूछा तो आपको सेम लिखना है, जो अनकॉमन है वो मैं इसके बाद में लूंगा लास्ट में। नाउ ब्रीडिंग हैबिट्स, अब ब्रीडिंग हैबिट जो है, लाइव बेयरर गिव डायरेक्टली बर्थ तो स्विमिंग यंग वंस, ये स्विमिंग यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देंगे। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर सिंपली केप्ट इन द फीमेल बॉडी अंटिल दे हैच, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइज्ड एग जब तक के हैचिंग नहीं होता
तब तक फीमेल के बॉडी में रखे जाएंगे, यहाँ पर दे आर नॉट नरिश बाय मदर थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। देन जैसे ही हैचिंग होगा बच्चे बाहर निकल जाएंगे। द सेक्सुअल ड्राइव इज वेरी स्ट्रांग इन मेल, मेल में सेक्सुअल ड्राइव बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इट इज बेटर टू कीप मेनी फीमेल विद ए सिंगल मेल, एक मेल के साथ में ज्यादा फीमेल का ग्रुप, सेवरल फीमेल का एक ग्रुप आप रख सकते हैं। देन फर्टिलाइजेशन भी जो होगा इट फ्रिक्वेंटली लास्ट इन ग्रुप्स, ग्रुप में फर्टिलाइजेशन होगा एंड फीमेल मैच्योर अर्लियर एंड कैन रिप्रोड्यूस एट अबाउट 4 मंथ बिफोर द मेल मैच्योर। मेल सेक्सुअली मैच्योर होने के करीब करीब 4 महीने पहले ही फीमेल मैच्योर होगी, ये याद रहे। देन मैच्योर फीमेल कैन ड्रॉप हंड्रेड्स ऑफ बेबीज और मोर एट अ इंटरवल ऑफ 4 to 5 weeks, 4 से 5 हफ्ते के बीच में ये 100 से ज्यादा लाइव बेयरर को, यंग वन को बर्थ दे सकती है। और जो अनबॉर्न यंग वंस है उनके एग्स दे आर सीन एट द ग्रेविड स्पॉट दैट इज नियर द एनल फिन ऑफ द मदर। देन सबसे बड़ी बात यह है कि दीज लाइव बेयरर आफ्टर ब्रीडिंग, आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वन, दे स्टार्ट फीडिंग ऑन देयर यंग वन। बच्चे को जन्म देने के बाद में ये खुद के बच्चे खुद खाना शुरू कर देते हैं। टू अवॉइड दिस देयर यंग वन दे शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट टाइम एज वेल एज इमीजिएटली आफ्टर देयर बर्थ टेक प्लेस, जैसे उनका बर्थ होगा इमीजिएटली दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द एक्वेरियम टू अवॉइड देयर मोर्टेलिटी। या फिर फीमेल को जो है वो ब्रीडिंग ट्रैप में रखना चाहिए, नेट का बना हुआ छोटा सा ब्रीडिंग ट्रैप होता है उसमें फीमेल को रोक दो, जैसी बच्चे आएगी ट्रैप में से बाहर निकल जाएगी, फीमेल अंदर ही रहेगी एक्वेरियम के अंदर, ट्रैप के अंदर, और ट्रैप के बाहर एक्वेरियम में यंग वन, ये एक्वेरियम है ना, ये एक्वेरियम है सपोज, इसमें ऐसा ट्रैप रखना चाहिए, इसमें फाइन मेश के बना हुआ इसके ट्रैप के अंदर फीमेल रहेगी, ट्रैप में फीमेल रहेगी तो ये जो बारीक बारीक छेद है इसमें से बच्चे आसानी से एक्वेरियम में बाहर निकल जाएंगे, फीमेल अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकल सकेंगी। एंडर्स लाइव कैन बी, न्यू यंग वन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोर्टेलिटी। देन दे प्रीफर स्लाइटली अल्कलाइन वाटर एंड दे आर सरफेस फीडर, वो पानी के सतह पर सरफेस पर रहेगी, ठीक है, दे आर सरफेस फीडर एंड दे प्रीफर स्लाइटली अल्कलाइन वाटर। और उनका डाइट जो है, डाइट यूजुअली इंक्लूड ग्रीन फूड एंड प्लैंकटन विच इज व्हेनेवर इज ऑफर्ड एंड दे आर पीसफुल इन कम्युनिटी, अगर उनको ग्रुप में रखा गया तो दे विल बी मोर पीसफुल एंड ब्रीड फ्रीक्वेंटली। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है केयर ऑफ फ्राई इन नर्सरी एक्वेरियम, नर्सरी एक्वेरियम जिस पर जिसमें हमने लाइव यंग मंस रखे है, दैट इज नर्सरी एक्वेरियम, इसमें केयर क्या रहना पड़ेगा, ये एक्वेरियम की साइज जो होती है वही रहेगी स्टैंडर्ड 2x1x1 feet, दैट इज 60x30x30 centimeters एंड इट कैन रेयर नियर अबाउट 100 fry ऑफ लाइव बेयरर्स, सब फ्राई हम इसमें रख सकते हैं। दिस एक्वेरियम शुड हैव वेल अरेंजमेंट फॉर फिल्ट्रेशन, देन एरेशन, प्रॉपर एरेशन एंड वाटर शुड बी स्लाइटली एसिडिक हैविंग ए पीएच ऑफ 6.5, वाटर शुड बी स्लाइटली एसिडिक हैविंग ए पीएच ऑफ 6.5, 7 अगर रहा तो नॉर्मल और 6.5 स्लाइटली एसिडिक, यदि 7 से नीचे रहा तो एसिडिक, 7 के ऊपर रहा तो अल्कलाइन और 7 रहा तो न्यूट्रल, दैट इज थर्ड पॉइंट केयर ऑफ फ्राई इन नर्सरी। देन चौथा पॉइंट फूड फॉर द फ्राई, फूड फॉर फ्राई, ये सब इसी सीक्वेंस से आपको लिखना है, वो जरूरी भी है।
नाउ योग सेक्स उनको होता है, जैसे बर्थ होगा देयर बेली शोज प्रेजेंस ऑफ योग सेक, दिस योग सेक इज एब्जॉर्ब्ड विदिन 2 to 3 days, देन माइक्रोस्कोपिक लाइव फूड, माइक्रोस्कोपिक लाइव फिश फूड कॉमनली कॉल्ड एज इन्फ्यूजोरिया, इट इज यूज कॉमनली कॉल्ड एज इन्फ्यूजोरिया, इट टेक्स टाइम, इट इज यूज, लेकिन इसका कल्चर करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेशन में 4 to 5 days लगते हैं, इसलिए ब्रीडिंग के 4 to 5 days पहले इसका कल्चर आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए 2 to 3 pieces ऑफ वाटर लेट्यूस लीव्स आर टेकन इन वाटर, वाटर लेट्यूस इट इज अ प्लांट, इसके 2-3 पत्ते लेकर पानी में रखने होंगे, और द मेन कंटेंट ऑफ इन्फ्यूजोरिया इट इज यूग्लिना, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर एनिमल है यूग्लिना, द फ्लाई शुड नॉट बी एक्सेसिवली फेड बिकॉज द रिमेनिंग इन्फ्यूजोरिया मे अटैक द फ्राई एंड क्रिएट द प्रॉब्लम, उतने ही उनको खिलाओ जितने वो खा सकते, अगर उनका पेट भरगन से भी आप डालते गए तो ये अटैच हो गया उनके बॉडी को एंड कॉज ग्रेट न्यूसेंस टू द फ्राई रिजल्टिंग इन देयर मोर्टेलिटी, इसलिए फीडिंग जो है वो अंडर फीडिंग हुआ तो चलेगा लेकिन ओवर फीडिंग नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोटेक्ट द फिशेज फ्रॉम न्यूसेंस, देन फीडिंग ऑफ ऑन इन्फ्यूजोरिया इज कंटिन्यूअस, ये कब तक इन्फ्यूजोरिया कब तक खिलाई जाएंगे, जब तक फिशेज डू नॉट बिकम 1/2 inch लॉन्ग, आफ्टर दिस दे आर फीड विद ब्राइन स्ट्रीम, 1/2 inch लॉन्ग होने के बाद में दे आर फीड विद ब्राइन स्ट्रीम, झींगा झिंगी की पाउडर ब्राइन स्ट्रीम, देन लार्वी, देन डैफनिया मॉस्किटो लार्वी, देन डैफनिया ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, डैफनिया एंड प्लैंकटन, ये कब तक खिलाएंगे फिर, टिल द फिश बिकम 1 inch लेंथ, तो आधे इंच तक उनको इन्फ्यूजोरिया उसके ब्राइन स्ट्रीम लार्वी मॉस्किटो लार्वी और डैफनिया जब तक के वो 1 inch लंबे नहीं होते तब तक खिलाना है, और उसके बाद में देन दे आर प्रोवाइडेड विद ड्राई फूड, दे आर प्रोवाइडेड विद ड्राई फूड, ये सब चारों पॉइंट सबको कॉमन है, ठीक है। अब अनकॉमन जो है वो कौन से, पहला है गप्पी, गप्पी का साइंटिफिक नेम है लिबिस्कस रेटिक्यूलेटस, ये साइंटिफिक नेम, देखो पहला पॉइंट दिया आएगा लेडिस्कस रेटिकुलेटस, साइंटिफिक नेम ऑफ गप्पी लेडिस्कस रेटिकुलेटस, ये आने के बाद ये अब मैं जानकारी जो बता रहा हूं वो आएगी, और ये आने के बाद में फिर आएगा उसका पहले पॉइंट दैट इज सेक्स आइडेंटिफिकेशन देन ब्रीडिंग हैबिट्स केयर ऑफ फ्राई एंड फूड फ्राई फ्राई, ठीक है। अब गप्पी that is scientific name is Rebiscus, Rebiscus reticulus, it is probably the world most popular tropical fish, कहीं भी मिलेगा ये most tropical countries में each and every water body shows it present and it is generally used for control of mosquitoes, it has remarkable ability to survive and reproduce in the most adverse condition, कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहेगी तो भी ये जिंदा रहेगा और रिप्रोडक्शन भी इसमें होगा, ब्रीडिंग भी होगा। नो फिशेज रिक्वायर स्लाइटली अल्कलाइन वाटर, इनको स्लाइटली अल्कलाइन वाटर चाहिए, हैविंग रेंज फ्रॉम 7.5 to 8, ये पीएच का वाटर इनको चाहिए, दे आर सरफेस फीडर, एक्वेरियम में अगर रखेंगे तो ये बॉटम में या बीच में नहीं आएगी, दे आर सरफेस फीडर एंड Hence they can take the dry food very easily. Dry food अगर आप उनको देते हैं feeding cup में वो आसानी से ले सकते हैं because वो always they are present on the surface of water body और feeding cup भी also present on the water body, surface of the water body. Then it is given with live food along with green food. Green plant तो उनको देना ही चाहिए लेकिन साथ में Daphnia, Infusoria, larva वगैरह वगैरह उनको देने चाहिए and These fishes they breed at the temperature of 20 degree Celsius. इनका breeding होगा 20 degree Celsius पर, that is 60 degree Fahrenheit.
अब फीमेल इज लार्जर देन मेल, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ सेक्स आइडेंटिफिकेशन में, फीमेल इज लार्जर देन मेल एंड मेल बियर्स गोनोपोडियम व्हिच इज यूजुअली आइडेंटिफाइड। उसके बाद में फीमेल जो है, फीमेल्स दे आर स्लाइटली ग्रीन इन कलर बट द कलर इज डल, वेयर एज मेल्स आर ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली कलर एंड दे आर ब्राइट, दे आर मोर अट्रैक्टिव ड्यू स्पेशली ड्यू टू देयर कॉरल फिन। देन मोलिस्क, मोलिस्क का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोइसिलिया लेटीपिन्ना, कोइसिलिया लेटीपिन्ना। लोकोपोरस दिस मोलिया कंसर्न दे आर सिल्वरी ग्रीन विद स्मॉल बैक क्लचेस ऑन द एंटायर बॉडी, इनका कलर कैसा है सिल्वरी ग्रीन है और पूरे बॉडी पर ब्लैक पैचेस है छोटे छोटे। दीज आर एक्सट्रीमली टॉलरेंट बट प्रीफर स्लाइटली सॉल्टी वाटर एंड लाइफ फूड, ये किसी भी पानी में जिंदा रह सकते हैं लेकिन स्लाइटली सॉल्टी वाटर रहा तो ये दे लिव मोर पीसफुली एंड दे ऑल्सो टेक लाइफ फूड। दीज लाइफ बेयरर्स इजीली डैमेज और शॉक, जब आप इनको एक एक्वेरियम से दूसरे एक्वेरियम में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली डैमेज होगे, इनको शॉक भी होगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इतना ही नहीं, ग्रेविड फीमेल अगर होगी, ग्रेविड फीमेल, इट विल रिजल्ट इन प्री मैच्योर बर्थ ऑफ द बेबीज, गॉट इट, मूविंग द ग्रेविड फीमेल रिजल्ट इन बर्थ ऑफ प्री मैच्योर बेबी एंड देयरफॉर दे शुड बी केयरफुली हैंडल। सेकंडली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट फ्रॉम गप्पी दैट दे डू नॉट फीड, दे डू नॉट फीड ऑन देयर यंग वन, वो उनके यंग वन पर नहीं, यंग वन को नहीं खाते। इनमें अलग अलग वेराइटीज है, डेल्फिन मोली, डेल्फिन मोली, देन गोल्डन फिन मोली, देन गाइन टेल्फिन मोली, तीन वेराइटीज है इसमें, कौन सी टेल्फिन मोली, देन गोल्डन फिन मोली एंड गाइन टेल्फिन मोली। उसके बाद में तीसरा है सोअरटेल, सोअरटेल का साइंटिफिक नेम है ज़िफोफोरस हिलेरी, ज़िफोफोरस हिलेरी, ये जो है इट एक्टिव एंड रिक्वायर टैंक विद मोर स्पेस एंड प्लांटेशन, इसको ब्रीडिंग के लिए काफी बड़ी जगह होना, साथ में एक्वेरियम में काफी ज्यादा प्लांट्स भी होना। इट बियर्स ए टेल इन द शेप ऑफ सोअर, इसमें मेल जो होता है, मेल की जो कॉडल फिन होती है, इट इज जस्ट लाइक सोअर, तलवार के समान होती है, हेंस द नेम सोअर टेल। इट इज ए मॉडिफाइड कॉडल फिन, ये कॉडल फिन है जो मॉडिफाइड इनटू सोअर लाइक स्ट्रक्चर। दीज लाइफ बेयरर्स आर इजी टू कीप एंड ब्रीड, द फर्स्ट कलर वेराइटीज आर ग्रीन एंड रेड हैविंग येलो सोअर विथ ब्लैक एजेस। पहली जो वेराइटी थी शुरू की वो कैसी थी, ग्रीन एंड रेड, जिसके ऊपर येलो कलर की सोवर थी और येलो कलर के सोवर को ब्लैक एजेस थे। उसके बाद में चौथी है प्लैटी, नाउ प्लैटी ज़िफोफोरस मैक्यूलेटस, साइंटिफिक नेम ज़िफोफोरस मैक्यूलेटस, ज़िफोफोरस मैक्यूलेटस। नाउ इट बिलोंग टू द सेम जीनस ऑफ सोवर टेल बट इज स्मॉलर एंड लैक ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवर, इसमें सोवर नहीं रहेगी, जीनस सेम ही है, स्पीशीज अलग है, एंड दे आर मोर हार्डी देन सोवर टेल एंड हैव रियली नो ड्रॉबैक एज द बिगिनर फिशेज। पहले दो में जो ड्रॉबैक है, फिशरी कोइसिलिया लेटीपिन्ना ग्रेविड फीमेल हिला नहीं सकती वगैरह वगैरह, वो हिसाब से ये काफी हार्ड है। और इसी के साथ ब्रीडिंग ऑफ यंग और लाइव बेरर समाप्त होता है। इसके बाद में दो फिशेज बचे हैं, एक है एंजल फिश ब्रीडिंग ऑफ टू वीवी ओवी पैरस फिशेज, वो हम लेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।